हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आप सभी लोग जानते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन सभी ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई थी और दोस्तों फाइनली इसका रिजल्ट आउट हो चुका है फॉर DV एंड SPPT। तो चलिए इसका जो PDF है उसे मैं डाउनलोड कर देता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 31/1/2024 का नोटिफिकेशन था, 14/6/2024 को इसका जो लिस्ट ऑफ शॉर्टेस्टेड कैंडिडेट फॉर DV एंड SPPT आउट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DV और SPPT मतलब आपका स्किल टेस्ट के लिए जो वेन्यू है HRD ट्रेनिंग सेंटर CPCL रिफाइनरी मनाली चेन्नई में है, 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन पे ये इतने सारे लोग को शॉर्टलिस्टेड हुए हैं जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन में, आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं अन्य ब्रांचेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल की है, मैकेनिकल के लिए रिजल्ट आ चुका है मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी रिजल्ट आ चुका है। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए रिजल्ट था, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए रिजल्ट है। तो सभी ब्रांचेस की फायर एंड सेफ्टी सभी ब्रांचेस के लिए यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसे मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सबमिटेड एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो ये आपको ले जाना होगा। मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लैपटॉप शैल नॉट बी अलाउड, मतलब आपको बोला गया कि भाई मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। और जो कैंडिडेट्स आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ये देने में आप अनअवेलेबल रहे, मतलब आप नहीं दे पाए, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी रिटन टेस्ट एडमिट कार्ड भी आपको ले जाना होगा एक वैलिड ID कार्ड के साथ। आप ये जनरल चीज़ें हैं, जैसे आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह ले जाना होगा। जो SC/ST कैटेगरी के लड़के होंगे या OBC कैटेगरी के लड़के होंगे उनको अपना जो है जो OBC का सर्टिफिकेट होता है बेसिकली वो लेके जाना होगा। और कोई क्वेरी है आपकी कुछ भी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए कि आपको कोई डाउट लग रहा है कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या इस नंबर पे मेल कर दीजिए, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। होपफुली दोस्तों सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी, वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट वगैरह जो भी है वो दिया गया है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।